ब्रिटेन हो, वहां तो क्रिश्चियंस के साथ है, जर्मनी के अंदर हम देख रहे हैं हालात क्या है, फ्रांस के अंदर हम हालात देख रहे हैं। जी शुक्रिया, जय हिंद वंदे मातरम। देखिए, कश्मीर में जब आजादी का नारा बुलंद हुआ था तो वो एक 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 ज्योग्राफिकल एक एक लड़ाई थी जो उन लोगों ने शुरू करी कि कश्मीर को अलग करना है भारत से। ये लड़ाई ख़त्म कहाँ जाकर हुई? ये लड़ाई यहाँ ख़त्म जा आकर हुई कि हिंदुओं को मारो, उनकी दुकानें लूटो, उनके मंदिर तोड़ो, इज्जत आबरू लौटो, और भैया हिंदू महिलाओं को छोड़ जाओ, आदमी यहाँ से चले जाओ। लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? लड़ाई शुरू हुई थी आज़ादी की। ख़त्म कहाँ हुई? हिंदुओं की पिटाई पर। सन 71 का अगर शॉर्ट में बताऊं, वो लड़ाई शुरू हुई थी उर्दू वर्सेस बंगला, ये थी लड़ाई। ख़त्म कहाँ हुई? हिंदुओं की पिटाई पर। ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? आरक्षण को लेकर। ख़त्म कहाँ हो रही है? हिंदुओं की पिटाई को लेकर। तो जब भी हम मुसलमान, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मान लें कि अरब में एक रेवोल्यूशन आ जाए, यस यूएई में एक रेवोल्यूशन आ जाए, तो पता है वो रेवोल्यूशन ख़त्म कहाँ होगा? जो गैर मुसलमान यूएई में काम कर रहे हैं उनकी पिटाई करके ख़त्म होगा। तो जब भी हम देखिए, ये हकीकत है, कोई माने अनमाने, जब भी हम ताकत में होते हैं और कोई आंदोलन करना होता है तो उस आंदोलन को हम एक एक डायरेक्शन देते हैं जी, कि पहले वहाँ की अकलियत की पिटाई करो, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। तो ये एक ट्रेंड है और मुझे ये ट्रेंड बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं करता है। भारत को इसमें कड़ा कदम उठाना चाहिए। CAA जैसा कानून 2014 तक रोकना नहीं चाहिए, और जब भी प्राथमिकता पर अगल बगल से कोई भी हिंदू भारत में आना चाहे उसका इस देश में स्वागत होना चाहिए। संख्या तो बहुत बड़ी संख्या होगी, ये संख्या तो एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है 1 करोड़ के आसपास की हो जाएगी। अब देखिए, अब अगर ये सवाल है तो हमारी फोर्सेस तो वहां जा नहीं सकती उनको बचाने के लिए। फिर आप ये बताइए कि आप क्या उनको वहां मरने के लिए छोड़ देंगे? पहला सवाल, संख्या का सवाल। और अगर संख्या की बात है तो इससे पहले भी 2 करोड़ लोग यहां पर घुसपैठिए घुस के खा रहे हैं। तो अगर घुसपैठियों के बजाय कोई शरणार्थी भी आके 2 रोटी खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? वो तो शरणार्थी हैं। और क्या आप हिंदुस्तान में बैठ के सिर्फ डिबेट करके उनकी जान माल की रक्षा कर सकते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल। ये आप भी सवाल अपने से पूछिए और सरकार भी पूछे जी। ये आपका एक पॉइंट है, लेकिन तौसीफ खान का मैं रुक करता हूँ, फिर मैं सरकार के नुमाइंदे यानी जो रूलिंग पार्टी है उसके प्रवक्ता के पास जाऊंगा। तौसीफ खान, ये विषय बड़ा है, इस पे हर पॉलिटिकल पार्टी संभल के बोल रही है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन एक विषय कॉमन है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, ऐसा क्यों है? क्या कट्टरपंथी हावी हो चले हैं दुनिया में? नहीं, ये बात सही है, कट्टरपंथी हावी हो गए, भारत का भी आप ले सकते हैं इसमें एग्जांपल। भारत का नाम ले सकते हैं आपने? सही, हाँ, आपने सारे मुल्कों का नाम लिया, आप भारत का भूल गए। देखिए, हमें हमें परवाह होनी चाहिए अपने देश की, हमें चिंता होनी चाहिए अपने देश की, अपने नागरिकों की सुरक्षा की। और ममता बनर्जी हो, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो जयशंकर जी भी, उन्होंने भी यही कहा है कि जो बहुत सारे रिश्तेदार जो हमारे भारतीय नागरिक छात्र जो बांग्लादेश में है, या हमारे भारतीय नागरिक के बहुत सारे रिश्तेदार जो बांग्लादेश में है, वहां से अगर कोई लोग जो वापस आना चाहते हैं उनके अरेंजमेंट्स की जा रही है। और ये अरेंजमेंट्स देखिए 1 महीने से चल रहा है, क्योंकि ये सारा जो झगड़ा है, ये छात्र आंदोलन 1 महीने से ये चालू हुआ। ये चालू इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें 30% जो आरक्षण का मामला है कि आर्मी वेटरन्स को ही नौकरी दिया जाएगा, ये आरक्षण खत्म करो, ये उनका मांग था। इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए शेख हसीना ने जो कदम उठाए उसमें 14,000 छात्रों को जेल में अरेस्ट करके भर दिया गया, 200 छात्रों की मौत हुई गोली चला करके पुलिस द्वारा, और इसी का आक्रोश है, इसी के जनता जो है भड़की हुई है। आज बांग्लादेश में जगह जगह पे शेख मुजीबुर रहमान के वो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया, शेख हसीना भी देश छोड़ के चली गई है, तो अब क्यों मारा जा रहा है वहां पर? हिंदुओं को क्यों माना जा रहा है? उनकी दुकानें क्यों लूटी जा रही हैं? नहीं, उनके मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? पार्टी
शेख हसीना के और आप पार्टी भारत का करने भी वाले मुकाबला कर लोग, रहे हैं इसके समर्थन साथ, करने वाले लोग पे ये हमला भारत है। के, भारत के अंदर अभी अखिलेतों के साथ ऐसा हो रहा है अभी क्या? अभी कुछ घंटे पहले ही शेख हसीना के सरकार में जो विदेश मंत्री रहे उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके घर को जो है जला दिया गया। तो हाँ, माहौल बहुत गंभीर है, माहौल बांग्लादेश में खराब है, और भारत सरकार के लिए और भारतीयों के लिए ये बेहतर रहेगा कि जिस तरीके से शेख हसीना के साथ एक भारत सरकार के अच्छे रिलेशन थे, अच्छे संबंध थे, उसी तरीके से जो भी अभी गवर्नमेंट बनाए, इंटरिम गवर्नमेंट जो भी बनाए, उसके पर साथ भी प्रायोरिटी अच्छे सरकार संबंध का बनाने अच्छा पे होनी संबंध चाहिए कि बना रहे। अभी वहां पर जो हिंदुओं को मारा जा रहा है उनको बचाने पे होनी चाहिए। नहीं नहीं र्यूमर्स र्यूमर्स पे ध्यान नहीं देना है, सरकार के तरफ से अगर कोई रिपोर्ट आती है, र्यूमर? अरे इस्कॉन मंदिर को तोड़ा गया है, इस्कॉन मंदिर में बम चलाया गया है, हिंदुओं की बाइट मैंने दिखाई है, वो कह रहे हमारे 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 घरों को लूटा जा रहा है, हमारी दुकानों को लूटा जा रहा है, हमारे बिजनेसेस को लूटा जा रहा है। इस पे जो है हमें सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए। बीजेपी के नेता ने कल एक बीजेपी के नेता नहीं सा स्टेटमेंट दे दिया बंगाल में, ममता बनर्जी ने कहा कि हमें पॉलिटिशियंस लोगों को ये चाहिए कि भाई भारत सरकार का जो फैसला रहेगा उस पे ममता बनर्जी खड़ी है, और पूरा ऑपोजिशन जो है इस मुद्दे पे ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में, एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मंदिरों को अटैक, मंदिर अटैक में है, बिजनेसेस अटैक में है, और आप कह रहे ह्यूमन मॉन्गरिंग। अब मानने को तैयार नहीं है कि ये हो रहा है, अभी बोल देंगे ब्रिटेन में भी कुछ नहीं हुआ, बोलेंगे जर्मनी में भी कुछ नहीं हुआ था, मैं तो बोल रहा हूँ ब्रिटेन में भी कट्टरपंथी है, जर्मनी ओके, में भी ओके, सुधांशु त्रिवेदी, भारत में भी कट्टरपंथी है, बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी, भारत को भी आप क्यों भूल जाते हैं भाई? सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी का रिप्लाई जरूरी है, ओके सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जिस समय आज विदेश मंत्री जयशंकर जी ने राज्यसभा, सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप राज्यसभा के हैं, ऑफिशियल पोजीशन क्या है इस समय? क्या हिंदूस पे हिंदूस टारगेट है बांग्लादेश के अंदर? देखिए, आज 2:30 बजे जब विदेश मंत्री एस शंकर जी ने राज्यसभा में वक्तव्य दिया, मैं वहां उपस्थित था। उन्होंने पूरे बांग्लादेश का घटनाक्रम बताया, उन्होंने ये भी बताया पिछले कई दिनों से भारत सरकार सतर्कता से नजर रखे हुए है, और वहाँ की रूलिंग पार्टी के साथ जो अन्य ग्रुप्स हैं उनके साथ भी संवाद के सूत्र खोल के रखे हैं। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत सरकार की यह चिंता है कि वहाँ माइनॉरिटीज़ के ऊपर, वहाँ मंदिरों के ऊपर जिस प्रकार के हमले हो रहे हैं वो स्थितियों को और ख़तरनाक कर सकते हैं, और भारत इस विषय के ऊपर पूरी सतर्कता से दृष्टि रखे हुए। वहाँ से भारतीयों को निकालना, 19,000 लोग हैं, वो सब भी बोला। तो ये सदन के पटल पर दिया गया वक्तव्य। बड़ी दुख की बात है कि जो दुखद दृश्य दिखाई पड़ रहा बांग्लादेश में, उससे ज़्यादा दुखद बात है कि तौसीफ खान साहब आके जिस ढंग का डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा भारत में कट्टरपंथी हैं। बिल्कुल तौसीफ खान साहब, यही तो समझ में नहीं आता, ये होता क्या है? मामला शुरू हुआ बांग्लादेश की आरक्षण पे, टारगेट पे आ गए हिंदू। याद करिए, भारत में जब हमारी सरकार नहीं थी, 2012 मुंबई का आजाद मैदान कट्टरपंथियों ने क्यों तोड़ दिया था? और सिर्फ मुंबई का आजाद मैदान नहीं, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, इन सब जगहों पे बवाल हुआ था। किस मुद्दे पे? कि एक फेसबुक पे फोटो चल गई थी कि बर्मा में रोहिंग्या मुस्लिम मारे गए, बाद में पता चला वो थाईलैंड के तूफान में मारे गए लोगों की बात थी। मैं तो ये भी पूछ रहा हूं, अगर बर्मा में मारे गए थे तो भी ये हिंदू